जी एवरीवन, तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर HBL बैंक ATM में खड़ा हूँ, जो कि आपने कमेंट करके कहा था कि भाई HBL या फिर किसी भी ATM से पैसे किस तरह से निकाले जाते हैं वो आप हमें सिखाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ATM से पैसे निकलवाने की जो कि ना मालूमात देंगे कि आपने ATM से पैसे किस तरह से निकालना है, ये खासतौर के उनके लिए जिनको ATM से पैसे निकालने नहीं आते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो कि मैंने पहले कहा था कि मेरे इस वीडियो को कंप्लीट कर दें और उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूं तो आप तो वो लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि ATM से पैसे किस तरह से निकाले जाते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने जहाँ पर ये जो एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, आपने इसमें अपना ATM एंटर कर देना है। ATM किस तरह से, जहाँ पर ये जो ATM मेरे ATM के ऊपर आप एरो का निशान देख सकते हैं सामने, ये एरो ऊपर होना चाहिए और ये जहाँ से आपने इसे एंटर कर देना है बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है। तो जहाँ पर जब आप इसे एंटर करेंगे तो ये डायरेक्टली इसे ATM मशीन में चला जाएगा। अब ये हमारा ATM इस मशीन में जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए लोडिंग हो रही है और लोडिंग होने के बाद ये हमसे अपने ATM का पिन कोड मांगेगा। तो आपने यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर देना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर करेंगे तो उसके बाद आपने सिंपल सा ये एंटर का ऑप्शन नजर आ रहा है आपके सामने, आपने ऐसे एंटर वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपसे मांगेगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, डिफॉल्ट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं भाई आपको, अगर पता नहीं कि करंट है या सेविंग है तो आपने डिफॉल्ट कर देना है। जब आप डिफॉल्ट करेंगे तो जहाँ पर आपको आपकी रकम यानी कि आपको सिलेक्ट करने के आपने पैसे किस कौन कितने निकालने हैं, 1000 निकालना है, 2000 निकालना है, 3000 निकालने हैं या फिर 4000, ये सारे के सारे यहाँ पर। अगर आप अदर 10000 से ज़्यादा का अमाउंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पर टिक करके अपना अमाउंट लिखें। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि हमारे जो कि ATM में हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है तो आप बैलेंस इंक्वायरी टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रसीद नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिसिप्ट नजर आएगी, तो यहाँ पर आपने इसे रिसिप्ट को यहाँ से निकाल लेना है और चेक कर देना है कि हमारे पैसे जो कि हैं कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको अपने पैसे निकालने की यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लोडिंग की, उसी वजह से मेरा ATM बाहर निकल आया। तो फिर से मैं इसे ट्राई करके रकम निकलवाने के किस तरह के कौन सा तरीका है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना कोड एंटर किया। ठीक है, और डिफॉल्ट पर टिक किया। अब मैं यहाँ पर 1000 रुपया निकालना चाहता हूँ। 1000 पर टिक करने के बाद मैंने इसे येस वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारी काउंटिंग हो रही है पैसों की। तो यहाँ पर मेरा ATM भी निकल आया है और यहाँ पर मेरी रसीद भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर व्यूअर देखिए मेरे पैसे भी आ चुके हैं आपके सामने और यहाँ पर ये मेरी रसीद भी निकल आई है हमारे पैसों की। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने पैसे ATM से निकलवा सकते हैं। तो व्यूअर, यदि आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल टेक्निकल म्यूजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।